हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आम पना। इसे बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज के कच्चे आम लिए हैं। इसे मैंने 2 सीटी लगाकर बॉईल कर लिया है। अब हम इसका छिलका निकाल लेंगे। तो आम को हमने छील लिया है, अब हम इसका पल्प निकालेंगे। आप हाथ के सहायता से भी निकाल सकते हैं, मैं एक फोक के हेल्प से निकाल रही हूँ। तो आम का पल्प हमने निकाल लिया है, अब हम इसे एक मिक्सी जार में डालेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, नमक, चीनी, और थोड़ा सा पानी। इन सब चीज़ों को डालकर हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अभी हमने पानी थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि हमें इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर हम एकदम से पूरा पानी डाल देंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं होंगी। तो इसे हम ब्लेंड करके खोलेंगे, उसके बाद हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। एज अ रिक्वायरमेंट आप इसमें पानी बढ़ा ले सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर और पानी डाल रही हूँ। इसके बाद इसका ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। अब हम आधा नींबू लेंगे, उसे गिलास के चारों तरफ लगा देंगे। बेसिकली हमें एक मिक्सचर है जिसे इसके चारों तरफ लगाना है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, ये बस डेकोरेशन के लिए है। तो मैंने एक प्लेट में मिर्ची पाउडर, नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर लिया था, उसे मिक्स किया है और गिलास को उल्टा रखकर चारों तरफ घुमा दिया है। अब हम इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि आम ऑलरेडी खट्टा ही होता है। उसके बाद हम इसमें कुछ आइस क्यूब्स डालेंगे, जितना भी आप ठंडा पसंद करते हैं पीना। उसके बाद हम इसमें अपना आम पना जो हमने बनाकर तैयार किया है उसे सर्व करेंगे। मुझे यहाँ पर आम पना थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ऐड करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं, आपको जैसा पसंद है आप वैसा बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है, इसे मिक्स कर देंगे और हमारा आम पना बनकर तैयार है। बस अब इसे हम पुदीने के पत्ते से गार्निश करेंगे। तो आप भी बनाइए और बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट कर बताइए, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इन्जॉय।